भाइयों और बहनों, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित आदिवासी पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे कटमनी, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे सिंडिकेट, दीदीर पाठशाला उत्पीड़न ट्रेनिंग देवा होय आराजको तो ट्रेनिंग देवा होय। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा की क्या स्थिति है, एक खड़गपुर के लोग बहुत भली भांति जानते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर यहां का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भर्तियों के लिए जो बोर्ड, जो कमीशन बनाए गए, उन्हें भी टीएमसी काडर के हवाले कर दिया गया है। बहनों और भाइयों, शिक्षा को लेकर दीदी और उनकी पार्टी की सोच का एक और उदाहरण आज मैं आपको देता हूं। हमारे देश में 3.5 दशक के बाद, यानी करीब 35 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। पूरे हिंदुस्तान में ये नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है और इसका मकसद है 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार शिक्षा में बदलाव हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की ट्रेनिंग से लेकर स्किल अपग्रेडेशन तक अनेक प्रावधान किए गए हैं और इसकी एक प्रमुख बात है स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर बल। टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स, इन सब में स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। हम चाहते हैं कि गांव और गरीब का बच्चा और भी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ बन सके। आप मुझे बताइए भैया, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा भी इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब की बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाषा के कारण उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा है गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसलिए उसकी भाषा में हम पढ़ाएंगे और उसको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दीदी को तो इसका भी विरोध है।
दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मना कर रही है, आना कर रही है। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की, उनके कैरियर की कोई चिंता नहीं है। मैं बंगाल के नौजवानों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल के दलितों को, बंगाल के आदिवासियों को, बंगाल के पिछड़े लोगों को, बंगाल के गरीब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे।